वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग ने आजम खान को एक और नोटिस भेजा है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े कई मामलों को लेकर के नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग ने आजम खान से 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। तो आजम खान ने जयप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके बाद नोटिस भेजा गया था। 72 घंटे का प्रतिबंध है आजम खान पर, इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। और एक और नोटिस के मामले में ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा।